नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर असरदार। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। पांचवें चरण की वोटिंग शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गई। 8 राज्यों की 49 सीटों पर वोटिंग को लेकर उत्साह दिखा। राजनाथ सिंह और स्मृति ईरानी से लेकर राहुल गांधी जैसे दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। लोकतंत्र के महापर्व का पांचवा चरण खत्म हो चुका है। इसके साथ ही 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित राज्यों की 49 सीटों पर प्रत्याशियों की किस्मत जनता ने तय कर दी है। महाराष्ट्र में पांचवें चरण के साथ ही लोकसभा चुनाव संपन्न हो गया। जिन राज्यों में वोटिंग हुई है वो हैं उत्तर प्रदेश, जहां की 14 सीट, महाराष्ट्र की 13 सीट, पश्चिम बंगाल की 7 सीट, बिहार की 5 सीट, झारखंड की 3 सीट और ओडिशा की 5 सीटों समेत केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की 1-1 सीट पर मतदान हुआ। दिग्गजों के साथ ही बॉलीवुड स्टार्स ने अपने मत का इस्तेमाल किया। बिग बी ने परिवार के साथ वोटिंग की तो वहीं किंग खान भी अपने परिवार के साथ वोट करने पहुंचे थे। इन सितारों के अलावा सलमान खान, सलीम खान, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, नेहा धूपिया, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, जानवी कपूर ने भी अपने पसंद के उम्मीदवार को वोट किया। वहीं दिग्गजों की बात करें तो राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, पीयूष गोयल, मायावती, राज ठाकरे, एकनाथ शिंदे, उद्धव ठाकरे, साध्वी निरंजना ने अपने मत का इस्तेमाल किया। 49 सीटों पर कुल 695 प्रत्याशियों की किस्मत जनता ने तय कर दी है। इन सीटों पर अगर दिग्गजों की बात करें तो रायबरेली से राहुल गांधी, अमेठी से स्मृति ईरानी, लखनऊ से राजनाथ सिंह, बिहार के सारण से रोहिणी आचार्य, हाजीपुर से चिराग पासवान और मुंबई उत्तर से पीयूष गोयल जैसे दिग्गजों की प्रतिष्ठा गांव पर है। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव के 5 चरण खत्म हो चुके हैं। इंतजार 4 तारीख का है जब नतीजे आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। शराब नीति घोटाले और स्वाति मालीवाल पिटाई कांड में फंसी आम आदमी पार्टी की मुश्किलें अब बढ़ गई हैं। केजरीवाल की पार्टी पर नया सनसनीखेज आरोप यह है कि आम आदमी पार्टी ने अमेरिका, खालिस्तान का गढ़, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अरब देशों से करोड़ों रुपए की अवैध विदेशी फंडिंग हासिल की। सिर्फ इतना ही नहीं, अवैध फंडिंग हासिल करने के लिए फंड देने वालों की पहचान छिपाई गई, राष्ट्रीयता छिपाई गई, तथ्य छिपाए गए, हेरफेर की गई और धोखाधड़ी की गई। आगरा में जूता कारोबारियों के ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेट तीसरे दिन भी जारी थी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने शनिवार से 3 कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी शुरू की थी। तीनों के यहां से अभी तक 100 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद किया जा चुका है। आगरा के जिन 3 बड़े जूता कारोबारियों के ठिकानों पर शनिवार के दिन से रेड चल रही है, वहां इनकम टैक्स की टीम ने 100 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद किया है। इनमें बीके शूज कंपनी, मंशू फुटवेयर और हरमिलाप शूज कंपनी शामिल हैं। इनकम टैक्स की टीम ने हरमिलाप शूज कंपनी के मालिक रामनाथ डंग के जयपुर हाउस वाले घर से लगभग 80 करोड़ रुपए कैश बरामद किए हैं, तो साथ ही करोड़ों रुपए की पर्चियां भी बरामद हुई हैं। कैश और डॉक्यूमेंट्स इनकम टैक्स की टीम अपने साथ ले गई है। कहा जा रहा है कि जिन कारोबारियों के यहाँ छापा पड़ा है, उनकी कंपनी मुख्य रूप से छोटे विक्रेताओं के साथ नगद में काम करती थी। इसके लिए कंपनी पर्ची सिस्टम का इस्तेमाल करती थी। पूरा काम ब्लैक में होता था। पर्चियों के जरिए ही हिसाब किताब रखा जाता था। बिल का भी इस्तेमाल नहीं होता था। रियल एस्टेट और बड़ी लैंड डील से जुड़े कागजात भी मिले हैं। खबर है कि बिस्तर और गद्दों में भी कैश छिपाया गया था। अनुमान लगाया जा रहा है कि तीनों जूता व्यापारियों को मिलाकर कैश का आंकड़ा 100 करोड़ को पार कर गया है। रविवार के दिन ही रामनाथ डंग के घर से 40 करोड़ से ज्यादा रकम मिल गई थी। देर रात तक कैश गिनने का सिलसिला जारी था। पैसे गिनने के लिए 8 से लेकर 10 मशीनें मंगवाई गई थी। साथ ही साथ आयकर विभाग के अधिकारियों को जमीन और ज्वेलरी की खरीदारी से संबंधित कई अहम दस्तावेज भी हाथ लगे हैं।
टीम ने इनकम टैक्स की चोरी, आय से ज्यादा संपत्ति की सूचना मिलने के बाद छापेमारी को अंजाम दिया था। टीम ने सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अपने कब्जे में ले ली है और मालिकों से पूछताछ हुई है। आगरा से न्यूज 18 के लिए कामिर कुरैशी की रिपोर्ट।